गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ मेरी तरह आप भी सब बढ़िया होंगे। और गाइस, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, डूबते सूरज को अर्घ दिया था, मैं मॉर्निंग में एक बार फिर आ गया हूँ आपको दिखाने कि जब उगते सूरज को अर्घ देने के लिए लोग आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। और इसी के साथ ये जो छठ की पूजा है ये आज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उगते सूरज के साथ ही ये वर्क ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आइए दिखाता हूँ आपको कितनी भीड़ है, आज कल से ज़्यादा भीड़ है। आइए, ज़्यादा भीड़ है आज और उगते सूरज को अर्घ दे रहे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। आइए, सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ये वर्ष खत्म हो जाएगा, ये प्रथा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ सूरज देवता का आगमन हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तो अब इनकी पूजा शायद खत्म हो गई है क्योंकि काफी लोग अब बाहर निकल रहे हैं। देखिए, दिखाऊं आपको, देखिए पर क्राउड तो कल से ज्यादा है आज। Thank you.
पा रहे होंगे, ये सब अब घर जा रहे हैं, इनकी बर्थ हो गया है पूरा। ये देखिए जितनी भी आप साथ देख रहे हैं सब ये घर लेके जा रहे हैं, तो इनका जो बर्थ था वो पूरा हो गया था। तो भाई साहब कम बात नहीं, देखिए यहाँ इनको सुबह मॉर्निंग में 4:30 या 4 बजे से 5 बजे से ये बैठने में ठंड भी लग गई शायद, देखो तो ये हाथ भी ताप रहे हैं, ठंड लग गई आंटी को लग रहा है। और पैकिंग हो रही है, देखिए प्रसाद सब पैक करके जा रहे हैं अपने अपने घर, वहाँ देखिए यहाँ भी वहाँ भी सब पूरा पैकिंग हो रही है। ये अब ख़त्म हो गया ये त्यौहार, बस लास्ट यही था ना, अब घर जाके क्या होगा इसका प्रसाद का, प्रसाद अरे किसी को बांटना होगा बांटेंगे, ये उसके बाद ख़त्म है ना। अब ये जो आंटी उंटी जिन्होंने खाना नहीं खाए, खा सकती है ना उसके खाना, घर पूजा करने के बाद भी खाना खा सकती है ना। चलो बढ़िया, आपको बता दें जितनी दिनों में वर्त रखा हुआ है ये काफ़ी टाइम से घुस गए हैं, शायद 36 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर अब जब इनका हो जाएगा संपूर्ण और उसके बाद ये घर पर जाके अपना खाना वाना खा सकते हैं। थोड़ा ठंडा है ये देखिए, कांप रहा है भाई, ये देखो ठंड लग गई भाई, ठंड लग गई, ठंडा है पानी, बहुत ठंड है, कांप रहा भाई, पता लग रहा है तेरी दांत का, पता भाई के दांत ही कांप रहे, दिखा दिखाई भाई, दिखाई भाई भाई के दांत कांप रहे हैं, ताप लो थोड़ा कोई नहीं कोई नहीं। देखिए गाइस ये जा रहे हैं अब घर, पूजा पाठ हो गई है, देखिए ये देखिए सब जगह, देखिए ये देखिए जैसे कल आए थे अब जा रहे हैं, और इनका इनका व्रत हो गया संपूर्ण, अब ये घर जाएंगे खाना वाना, अब ये जो पूजा पाठ करने के बाद बांटने के बाद अपना खाना वाना सब खा सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं सूर्य देवता जी का आगमन हो गया है, देखिए सूर्य सूर्य उदय हो गया है, और इसी के साथ व्रत भी पूरा हो गया है, देखिए हमारी बहन बेटियां सब जा रही हैं अपने घर से, सूर्य देवता के आने के सूर्य देवता के आने के बाद ये व्रत पूरा हो जाता है, उगते सूरज को अर्घ देने के बाद ये सब अपने घर जा रहे हैं, काफ़ी खुशी का माहौल। आपको बता दूं जो ये प्रसाद लेके जा रहे हैं घर पे, ये घर पे बांटेंगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर को, जो भी आस पड़ोस के जो रिश्तेदार हैं उनको बांटने के बाद ये फिर व्रत पूरा संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद फिर ये जो लेडीज और जेंट्स जिन्होंने व्रत रखे हुए हैं ये कुछ भी खा सकते हैं, काफ़ी लोगों ने खाया नहीं है, काफ़ी लोगों ने खाया नहीं है कुछ 36 घंटे से भी बता रहे ज़्यादा हो गए इनको, पानी पिए हुए और खाना खाए हुए, और ये व्रत संपूर्ण होने के बाद अब ये खाना वाना खाएंगे, घर जाएंगे, और छठ मैया का पर्व काफ़ी शानदार तरीके से मना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने देखा काफ़ी देर पीछे जा रहे हैं लोग और अच्छा भी लगा। यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, इतनी मेहनत करते थे कि मॉर्निंग में मुझे मैंने आपको वादा किया था कि मैं उठ के शायद ये वीडियो शूट करूँगा, और मैं उठ गया, आंखें लाल हो रही है, पर ठीक है गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अब चलते हैं घर, क्योंकि ये सब घर ही जा रहे हैं, देखिए सब वापस ही आ रहे हैं अपने घर, ओके बाय।